आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा का विषय है सोशल मीडिया कंपनियों और सरकार के बीच विवाद। भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने सभी कंपनियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि नियम का पालन क्यों नहीं किया गया। नए आईटी नियमों को न मानने पर फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद हो सकते हैं। नया नियम है क्या? इस नए नियम के अनुसार व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजिनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है। यानी कोई गलत या फेक पोस्ट वायरल हो रही है तो कंपनी सरकार को ओरिजिनेटर के बारे में बताना होगा और कंपनी को बताना होगा कि पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया। यह नया नियम 26 मई से लागू हो गया। यह नियम 25 फरवरी को ही घोषणा कर दी गई थी। इस नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनी को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए कंपनी को 3 अधिकारी जिसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त करना होगा। ये सभी अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए और इन अधिकारियों का कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया के वेबसाइट पर और ऐप पर भी होना अनिवार्य हो ताकि लोग शिकायत कर सकें। अधिकारियों के लिए शिकायत को अपडेट करने के लिए 15 दिन का समय सीमा निर्धारित की गई है। 25 मई को 3 महीने पूरे होने पर भी किसी कंपनी ने इस नियम का पालन नहीं किया। परिणाम स्वरूप सरकार ने 26 मई को नए नियम की घोषणा कर दी। सरकार की ओर से कहा गया कि नए नियम से किसी की प्राइवेसी, निजता का हनन नहीं होगा। देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था और देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद गंभीर अपराध वाले संदेशों को रोकने और मूल स्रोत का जानकारी मिलेगी। व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया है। व्हाट्सएप का कहना है कि नए नियम से यूजर्स की प्राइवेसी, निजता प्रभावित होगी। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन को भी तोड़ देगा। व्हाट्सएप को इससे होने वाले नुकसान, यूजर्स के सभी मैसेजेस को ट्रेस करना होगा। ऐसा करने से लोगों का व्हाट्सएप से भरोसा उठ जाएगा। व्हाट्सएप का कहना है कि चैट ट्रेस करना एक तरह से वैसे ही है जैसे हमारे यूजर्स की फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही हो। इससे यूजर्स को क्या नुकसान होगा? यूजर्स के सभी प्राइवेट मैसेजेस का हिसाब कंपनी के पास रहेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स का और भी ज़्यादा डाटा कलेक्ट करेंगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि यह कोई कानून नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन है। अगर सोशल मीडिया कंपनियां नए गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती हैं तो आईटी कानून के तहत ही उन पर कार्यवाही की जाएगी।